जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में 580 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 581 से चर्चा करेंगे। अधिक देर तक धूप में रहने से मात्रा बढ़ जाती है, किसकी? मेलाटोनिन की। प्रश्न नंबर 582, तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा CNS। प्रश्न नंबर 583, ब्रेन की थैली किसकी बनी होती? मेनिनजाइटिस। ब्रेन की थैली किसे कहते हैं? मेनिनजाइटिस को। प्रश्न नंबर 584, न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है, क्या? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 585, ब्रेन का 90% भाग बना है किसका? न्यूरॉन सेल का। प्रश्न नंबर 586, ब्रेन का 10% भाग बना है किसका? न्यूरॉन ग्लियल का। प्रश्न नंबर 587, न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साइनेप्स। प्रश्न नंबर 588, शरीर के बाह्य ताप का आभास कराती है कौन? थैलमस। ठंडी और गर्मी का एहसास थैलमस के द्वारा एहसास होता है। प्रश्न नंबर 589, शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करती है कौन? हाइपोथैलमस। प्रश्न नंबर 590, प्रेम घृणा ताप भूख प्यास का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइपोथैलमस। प्रश्न नंबर 591, देखने सुनने का कार्य किसका है? कॉर्पोरा का। प्रश्न नंबर 592, ब्रेन के अग्रभाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 593, ब्रेन के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रल। प्रश्न नंबर 594, ब्रेन के पश्च भाग को क्या कहते हैं? सेरिबेलम। प्रश्न नंबर 595, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। प्रश्न नंबर 596, सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। प्रश्न नंबर 597, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है कहां से? गामा कोशिका से। प्रश्न नंबर 598, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? हाइपोफाइसिस को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। प्रश्न नंबर 599, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 600, हेड मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हाइपोथैलमस को हेड मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।